हेलो एवरीवन, तो ये कहानी चाय के दो कप्स की है। एक शाम फेसबुक चलाते चलाते मेरी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी जो एकदम पैट्रियोटिक थी और पढ़ने वाला था मैं, जिसके बर्थडे केक पर भी उसके दोस्त देशभक्त लिखा करते थे। इम्प्रेस तो होना ही था, तो मैंने भी कमेंट कर दिया वेरी नाइस। और देखते ही देखते हमने कमेंट्स पर बात करना शुरू कर दिया और प्रोफाइल चेक करने तक का ख्याल मन में नहीं आया जो इससे पहले हर लड़की से बात करने के पहले किया जाता था। और बात करते करते हमें मालूम हुआ हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि हम दोनों को ही लिखना कितना पसंद है और द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह हम दोनों की फेवरेट मूवी है। अब तक हम दोनों ने एक दूसरे को बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानियाँ सुना दी थी और एक दूसरे की पसंद नापसंद को हम एक दूसरे से ज़्यादा जानने लगे थे। जैसे फाइनली इस एक महीने के चैटिंग के वनवास को काटने के बाद हमने मिलने का डिसाइड किया। और बॉयज स्कूल से पढ़े लड़के के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, बस इतना मालूम था किसी लड़की से मिलना है तो किसी अच्छी जगह जाना होता है। तो हम पहुंच गए CCD कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए और वो हमारी CCD की मुलाकात कोल्ड कॉफ़ी के जैसी ही ठंडी थी। हम दोनों ही खामोश थे जो एक दूसरे से मैसेज में घंटों बात कर लिया करते थे। देखते देखते कोल्ड कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई और अब उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या मेरी एक पसंद की जगह पर चलें? मैंने कहा बिल्कुल। तो हमारी गाड़ी जाकर रुकी सीधी एक दुकान पर जिसका नाम था फ्रेंड्स टी। जी हाँ, एक चाय की दुकान थी और उसकी फेवरेट थी। मैंने उसकी आँखों में देखा और अपने आप से कहा, सी इज़ परफेक्ट। उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बैठने से ज़्यादा सड़क किनारे बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना पसंद था। अब वो चाय की दुकान हम दोनों के मिलने का अड्डा बन चुकी थी। हम दो कप चाय लेकर घंटों बातें किया करते थे और अब ये दोस्ती मेरे अंदर प्यार में बदल जाने को बेताब हो रही थी। और जब आपको आपके किसी दोस्त से प्यार होता है ना, तो वो उस नई किताब की खुशबू की तरह होता है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कैद नहीं कर सकते। और दिल के एहसासों को अल्फाजों में बयां करना इससे पहले मैंने कभी सीखा ही नहीं था। जैसे मैं अपने इसको अधूरा छोड़कर ही पूरा करना चाहता था, लेकिन इस बेईमान दिल ने कभी किसी की सुनी है? बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, उसे टेक्स्ट किया गया और उसमें आई लव यू को छोड़कर वो सब कुछ लिखा गया जो हम दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी था। एज एक्सपेक्टेड हमारी बातें और मुलाकातें दोनों बंद हो गईं। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। दिल टूटने से ज़्यादा आखिरी बार उससे ना मिलने का दर्द था। तब उसके लिए कुछ लिखा था कि जाकर उससे कह दूँ कि तेरा बात ना करना जायज़ है माना, मगर तेरी इस तरह की नफरत कहती है मैं इंसान ही बुरा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उस चाय की दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था ताकि वो मुझे देख कर मुझसे अपने दोस्ती करने के फैसले पर अफसोस न करे। वक्त बीता, कॉलेज खत्म हुए, शहर भी छोड़ दिया। उसने भी शहर छोड़ दिया होगा शायद। जॉब मिल गई और जॉब से लीव लेकर पहली बार घर जाने का मौका आया तो सोचा उस शहर में एक रात बिताई जाए जहाँ कुछ पुराने यार और जिंदगी भर याद आने वाली यादें बसती हैं। और डिसाइड हुआ कि उस चाय की दुकान पर भी जाया जाएगा जहाँ किसी वजह से जाना छोड़ दिया था, आज उस खूबसूरत वजह को भी याद किया जाएगा। जैसे ही मैं उस चाय की दुकान पर पहुँचा, एक लड़का निकल कर आया। वो आया, उसने मेरे सामने आकर चाय के दो कप रख दिए। मैंने बड़े चौंकते हुए उससे पूछा, चाय के दो कप क्यों? तब उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भैया जब आपने आना बंद कर दिया था ना, तो वो दीदी हमेशा अकेली आती थी और अकेले ही चाय के दो कप लेकर पीती थी और मुझसे कहती थी, जिस दिन वो आएगा ना, उसको चाय के दो कप देना और उससे कहना कि मैंने तुम्हारे हिस्से की बहुत चाय पी है, आज तुम भी मेरे हिस्से की एक चाय पी लेना मेरे दोस्त, आज तुम भी मेरे हिस्से की एक चाय पी लेना। Then I realized, it's not the tea, it's the place, it's not the place, it's the people. अब कुछ इस तरह अपने अधूरे इश्क को पूरा कर लिया करता हूँ मैं, जब भी तन्हाई महसूस होती है दो कप चाय पी लिया करता हूँ।